नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ जिसका नाम है चिकन भापा। तो चलिए देखते हैं चिकन भापा बनाने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ। मैंने यहाँ पर पहले अदरक को लंबे लंबे पतले स्लाइसेस में कट किए हैं, लहसुन को भी मैंने उसी तरीके से कट किया है, प्याज को थोड़ा बड़ा कट किया है, कुछ हरी मिर्च और दो टमाटर मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, और प्याज मैंने यहाँ पर तीन बड़े साइज़ के। और यहाँ पर मैंने चिकन का जो पानी है वो बिल्कुल झड़ा लेना है आपको, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए चिकन में। फिर जब ये पानी अच्छे तरीके से झड़ जाए उसके बाद में एक अलग से बर्तन में चिकन लूँगी, उसमें मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर से मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करके इसे मुझे चिकन को अच्छे से मिक्स करना होगा, करके इसे फ्राई करना होगा। तो मैं ये यहाँ पर फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल में यूज़ कर रही हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल में मैं चिकन को एक बार में पूरा चिकन नहीं है आपको देना है, हाफ हाफ करके चिकन को फ्राई करते रहना है, क्योंकि अगर आपने पूरा चिकन इसमें एक बार में दे दिया तो चिकन जो फ्राई होने में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा और अच्छे से फ्राई भी नहीं होगा, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके चिकन देना है और फ्राई करते रहना है। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा चिकन एक बार में नहीं ऐड किया है, हाफ मैंने रख दिया है और हाफ में यहाँ पर जो है फ्राई कर रही हूँ। इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना होगा। ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है, ज़रूर एक बार आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मेरी रेसिपी नेक्स्ट कब आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए चिकन जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे मैं एक अलग से बर्तन में उठा लूँगी। ये देखिए चिकन बिल्कुल फ्राई होके रेडी है, अभी कितना अच्छा लग रहा है दिखने में फ्राई होने के बाद। अब मुझे क्या करना है, मसाले के लिए मुझे यहाँ पर पहले अलग से एक बोल में उसको मिक्स करना होगा। तो मैंने यहाँ पर तीन बड़े साइज के प्याज लिए थे, 1 किलो चिकन में मैं ये सब मसाले ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर तीन बड़े साइज के प्याज लिए हैं मैंने, जो कि मैंने बहुत बड़े बड़े साइज में कट कर लिया है, और खूब सारा लहसुन और अदरक। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर जो मैंने कट करके रखे हैं, 2 टमाटर यहाँ पर मैंने कट किए हैं, और हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी मैंने चॉप्ड कर लिया है, 5-6 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च यूज़ किया है। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च ऐड करोगे। उसके बाद इसमें कुछ अब जो पाउडर मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी और 4 इलायची। देखिए 4 इलायची, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे मुझे अच्छे से मिक्स कर लेना होगा। इसमें मैं तेल ऐड नहीं करूंगी क्योंकि कढ़ाई में जो मैंने चिकन फ्राई किया है उसमें तेल खूब सारा है, तो यहाँ पर मैं तेल ऐड नहीं करूंगी। मिक्स करके मुझे इसमें ऐड कर देना है तेल में, और इसे मुझे भूनना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये दम चिकन है, तो इसमें हमको बिल्कुल भी भूनना नहीं है। जस्ट तेल ऑयल के साथ इसे हमें मिक्स करना है, मिक्स करके 5 मिनट के लिए इसे ढक देना है बिल्कुल ही लो फ्लेम में। ये जो चिकन बनता है ये पूरा ही लो फ्लेम में बनेगा, तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। उसके बाद हम 5 मिनट बाद इसे चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्याज जो हमने मसाला दिए हैं उसके साथ हमें चिकन को मिक्स करना होगा। मिक्स करके हम फिर 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से देखिए मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके मैं 5 मिनट के लिए फिर ढक दूंगी इसे। देखिए अब 5 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही। मैंने यहाँ पर 150 ग्राम जो है मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है। अब मैं दही को थोड़ा सा मिला लूंगी चिकन के साथ।
देखिए दही मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट। अभी तक मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया है, अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी स्वाद अनुसार। आप जितना आप कम खाते हो या फिर ज़्यादा खाते हो उस अनुसार आप सॉल्ट ऐड करोगे। यहाँ पर हम मैं थोड़ा यहाँ पर देर से करीबन 2 चम्मच में यहाँ पर सॉल्ट ऐड करूंगी। फिर मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूंगी जिससे कि नमक की मात्रा जो है हर पूरे चिकन में अच्छे से आ जाए। उसके बाद इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए ढक दूंगी। बिल्कुल इसे हिलाना नहीं है, बिल्कुल चलाना नहीं है, 20 से 25 मिनट के लिए बिल्कुल ढक देना है। देखिए 20 से 25 मिनट बाद चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज बस यही तक। नमस्ते।